मुरादाबाद में मदरसे के सर्वे को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का एक बार फिर से बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर सर्वे फैसिलिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो कोई एतराज नहीं, मदरसा अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाएं, कंप्यूटर लगवाएं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन मदरसों की आड़ में राजनीति करने का इरादा है तो हमें एतराज है। गैर मान्यता प्राप्त टूटे फूटे मदरसे अपने रिसोर्सेज से मदरसे चला रहे हैं, चंदा करके मदरसे चलाए जा रहे हैं, हमें उनकी मंशा जानना जरूरी है। उनकी मंशा अच्छी है तो ठीक है। देखिए, मदरसों का सर्वे उनकी तरक्की के लिए करा जा रहा है, अपलिफ्टमेंट के लिए करा जा रहा है, या उनको वो सारी फैसिलिटीज देने के लिए करा जा रहा है जो आम स्कूलों में सरकार दे रही है, उनके टीचर्स की सैलरी है और मदरसों में किताबों का इंतजाम, कंप्यूटर का इंतजाम करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मदरसों की आड़ में कोई राजनीति करने का इरादा है या मदरसों को नुकसान पहुंचाने का इरादा है तो हमें बहुत बड़ा एतराज है। देखिए, मुझे 2009 के कानून के बारे में नहीं मालूम, अगर गैर मान्यता वाले मदरसों का सर्वे कर रहे हैं जबकि वो बेचारे अपने रिसोर्सेज से जैसे भी टूटे फूटे मदरसे चला रहे हैं, सबको पता है, जकात के पैसों से चलाते हैं, चंदे के पैसों से चलाते हैं, हमें इंटेंशन पता चले कि उनके मकसद क्या है, नीयत क्या है। अगर उनकी नीयत सही है तो हमें कोई एतराज नहीं हो, अगर नीयत खराब है तो जो साजिद रशीदी साहब ने कहा है वो हशर होना चाहिए। देखिए, अगर मदरसों को साजिशन खत्म करने का इरादा है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जूते चप्पलों का ये मतलब नहीं कि आप जूते ही मारना शुरू कर दें, उनको उनसे कोऑपरेट ना करें, बस यही है। जूते चप्पलें तो कोई किसी के नहीं मारता, ना मारने चाहिए।